अल्पसंख्यक लोग है, हम मुसलमान है, दलित आदिवासी लोग है, तो ऐसे हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है एनआईटी। हम ये गटर का पानी बह रहा है, ये पानी अगर कोई मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, ये दुरुस्त है क्या? प्रशासन को ये कहना चाहेंगे कि प्रभाग क्रमांक 3 योगी अरविंद नगर का ये क्षेत्र है, ये काफ़ी डेढ़ साल से ये लोगों के घरों से पानी बह रहा है। ये लोगों के घरों में आप देखोगे, जैसा अभी आपने वीडियो में दिखाया कि लोगों के घरों से लीकेज बह रहा है पानी, OCW को बोलने के बाद भी ये कार्यक्रम, ये हल मसले का हल नहीं हो रहा है। आप देखेंगे जनाजे की नमाज की जगह जो कि साफ सुथरी रहना चाहिए, वो उस जगह से पानी बह रहा है। आप देखोगे कि ये इस जगह पर बच्चे हैं, कई बस्ती के लोग इस रोड, इस मार्ग से गुजरते हैं, कब्रिस्तान तक ये पानी जा रहा है, और ये इस रोड पर मस्जिद भी है, यानी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए आप मस्जिद देख रहे होगे, यह मस्जिद है, ये नमाजी देखिए, नमाजी आ रहे हैं, नमाजी पानी में से ये लोगों को आना पड़ रहा है मस्जिदों के अंदर नमाज के लिए। और आपको बताऊं मैं कि हम ये NIT का एरिया है, हम NIT के एरिया में रह रहे हैं और हमारे हालात ऐसी है। ऐसा तो नहीं कि हम अल्पसंख्यक लोग हैं, हम मुसलमान हैं, दलित आदिवासी लोग हैं, तो ऐसे हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है NIT। हम कई बार प्रशासन को ये इत्तला दे चुके हैं कि भाई आप ये करिए, ये लीकेज का आप हल निकालिए, लेकिन इस लीकेज का हल कभी नहीं निकल रहा। हर अधिकारी आता है, सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद वो टाइम देता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके पहले लोकमत समाचार के अंदर प्रसिद्ध हो गई थी ये समाचार, फिर भी लेकिन नहीं हुआ। आप देखिए जनाजे के नमाज की जगह क्या हालात है, यहाँ जनाजे की नमाज इस जगह बनाएंगे क्या, नमाज पढ़ाएंगे क्या, आप देखिए जरा सा। बस मेरे से प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाए, जो भी चीज़ें हैं स्पीडली काम किया जाए, बस धन्यवाद। मेरा नाम शमशाद अंसारी, राजा भाई इलेक्ट्रिक वाले। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे आप? ये पानी की जो कंप्लेंट हम मुसलसल दे रहे हैं, NMC वाले NIT पे डालते हैं, NIT वाले NMC को बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ OCW को बोलते हैं, तो ये तीनों चीज़ में इसका हल निकाल कर कौन देगा हमको? ये तीनों में से कौन हल निकाल करके देगा हमको? तीनों एक दूसरे के ऊपर टालते चले जा रहे हैं, बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। और ये पानी गटर का बह रहा है, ये गटर का पानी बह रहा है, ये पानी अगर तो इसमें से पैर डालकर कोई मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, ये दुरुस्त है क्या? ये गंदे पानी के अंदर लोग पैर डाल करके जा रहे हैं, और गली गली में ये पानी बह रहा है, और मुसलसल बह रहा है पानी। चलो बारिश होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मुसलसल बह रहा है पानी, है बारिश रुकी हुई है, अभी देख रहे हैं आप, कल से पानी नहीं आया बारिश का, लेकिन अभी भी पानी रुका ही नहीं है अभी तक के। ये हमारा कहना यही है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इस पर काम किया जाए, पानी बंद हो और यहाँ पे आराम मिले लोगों को।